अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की कहानी का उनवान है, द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज द स्पाइडर टॉट अ लेसन। स्पाइडर यानी मकड़ा, टॉट यानी सिखाया, लेसन यानी सबक, अ लेसन एक सबक, मकड़े ने एक सबक सिखाया। स्टैंडिंग इन हिज गार्डन अ यंग बॉय नेम्ड मिथिलेश वॉज ऑब्जर्विंग द ग्रास हॉपर्स दैट वर क्रॉलिंग ऑन द बाउंड्री वॉल ऑफ हिज हाउस। स्टैंडिंग इन हिज गार्डन, खड़े होकर, इन हिज गार्डन अपने बाग में, यानी अपने बाग में खड़े होकर, अ यंग बॉय एक छोटा लड़का नेम्ड मिथिलेश, जिसका नाम मिथिलेश था, वॉज ऑब्जर्विंग देख रहा था, गौर से देख रहा था या मुशाहिदा कर रहा था, द ग्रास हॉपर्स टिड्डियों को, दैट जो वर क्रॉलिंग रेंग रहे थे, ऑन द बाउंड्री वॉल चार दीवारी पर, ऑफ हिज हाउस उसके घर के। ठीक है, फिर से समझते हैं। एक छोटा लड़का जिसका नाम मिथिलेश था, वो अपने घर के बाग में खड़े होकर टिड्डियों को देख रहा था जो कि दीवार पर रेंग रहे थे। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द बजिंग साउंड दे वर क्रिएटिंग। ही वॉज अट्रैक्टेड, वो मुतासिर हुआ, बाय द बजिंग साउंड, गूंजती हुई आवाज, दैट दे वर क्रिएटिंग, जो वो आवाज निकाल रहे थे, बजिंग साउंड एक तरह की आवाज निकाल रहे थे टिड्डियां, तो उनसे, उन आवाजों से वो लड़का मुतासिर हो रहा था। मिथिलेश पिक्ड देम विथ हिज बेयर फिंगर्स। मिथिलेश ने उनको उठा लिया नंगी उंगलियों से, यानी उसके हाथ में कुछ नहीं था, खाली उंगलियों से उसने पकड़कर उठा लिया, पिक यानी उठाया, उन टिड्डियों को, बेयर यानी खाली या नंगी, नंगी उंगलियों से उसको उठा लिया, एंड प्लेस देम केयरफुली इन अ जार। प्लेस यानी रख दिया उनको, केयरफुली यानी ध्यान से, इन अ जार, जार यानी जार, द जार वॉज देन कवर्ड विथ अ लिड। जार को उसने फिर एक ढक्कन से ढक दिया, लिड यानी ढक्कन, दैट हैड स्मॉल होल्स, जिसमें छोटे सुराख थे, स्मॉल यानी छोटे सुराख थे, इन इट, उस जार में छोटे सुराख थे, टू कीप द ग्रास हॉपर्स अलाइव, टिड्डियों को जिंदा रखने के लिए उसने उस जार में सुराख कर दी थी, छोटी छोटी सुराख कर दी थी, ताकि टिड्डियां सांस ले सके और जिंदा रह सके, अलाइव यानी जिंदा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एट द कॉर्नर ऑफ द सेम वॉल, उसी दीवार के एक कोने में, कॉर्नर यानी कोने में, सेम वॉल उसी दीवार के एक कोने में, अ स्पाइडर हैड ऑल्सो नीटेड हिज वेब। एक मकड़े ने भी एक जाल बुना था, नीटेड यानी जाल बुना, एक मकड़े ने भी जाल बुना था, हिज वेब यानी जाल। थॉटलेस मिथिलेश ट्राइड टू पिक हिम टू विद हिज फिंगर्स। थॉटलेस यानी बेफिक्र मिथिलेश ट्राइड, कोशिश की, टू पिक उठाने की उसको, विथ हिज फिंगर्स, तो बेफिक्र मिथिलेश उसने उस मकड़े को भी उन उंगलियों से उठाने की कोशिश की। अलार्म बाय द डेंजर द स्पाइडर पॉइंटेड हिज स्टिंग्स टुवर्ड्स मिथिलेश एंड वॉर्न्ड। अलार्म बाय द डेंजर, खतरे की आगाही पाते ही, अलार्म यानी आगाह पाना, खतरे की आगाही पाते ही द स्पाइडर पॉइंटेड हिज स्टिंग्स, मकड़े ने रुख किया, पॉइंटेड यानी रुख किया, हिज स्टिंग्स उसके डंक का, स्टिंग्स यानी डंक, किसकी तरफ, उसके डंक का रुख किसकी तरफ किया,
टुवर्ड्स मिथिलेश, मिथिलेश की तरफ, एंड वॉर्न्ड और तंबीह की, बॉय आई एम नॉट अ ग्रास हॉपर, लड़के मैं टिड्डी नहीं हूं, बट अ स्पाइडर, बल्कि एक मकड़ा हूं, नेवर एवर ट्राई टू कैच मी, मुझे पकड़ने की हरगिज कोशिश मत करना, नेवर एवर यानी हरगिज, नहीं, ट्राई यानी कोशिश करना, टू कैच यानी पकड़ना, मुझे पकड़ने की हरगिज कोशिश नहीं करना, एंड इफ यू डेयर, और अगर तुम जुर्रत करते हो, जुर्रत करते हो ऐसा करने की, आई शैल इंजेक्ट माई वेनम, मैं दाखिल कर दूंगा, इंजेक्ट यानी दाखिल करना, माई वेनम यानी जहर, इंटू योर स्किन, तुम्हारे जिल्द में, एंड यू वोंट बी एबल टू बेयर, और तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, बेयर यानी बर्दाश्त करना, वोंट बी एबल यानी नहीं सकोगे, ठीक है, बर्दाश्त करना, द पेन एंड रैशेस, दर्द और रैश का मतलब होता है एंड इफ यू डेयर, और अगर तुम ऐसा करने की जरूरत करते हो, आई शैल इंजेक्ट माई वेनम, मैं दाखिल कर दूंगा मेरा जहर, इनटू योर स्किन, तुम्हारे जिल्द में, एंड यू वोंट बी एबल, और तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, यू वोंट बी एबल टू बेयर, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, द पेन, दर्द एंड रैशेज यानी खसरा, स्किन जहां पे काटता है वहां पे स्किन लाल हो जाता है और वहां थोड़ी सी जलन और खुजली होती है, तो उसको खसरा कहता है। मिथिलेश ट्रेम्बल फ्रॉम हेड टू टो एंड लेफ्ट इमीडिएटली, मिथिलेश कांप गया, कांप गया, फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेकर पांव तक वो थरथरा गया, कांप गया, सर से पांव तक, एंड लेफ्ट इमीडिएटली, और छोड़ दिया, इमीडिएटली यानी फौरन, और उसको फौरन छोड़ दिया। द स्पाइडर टॉट मिथिलेश नॉट टू जज एवरी वन ऑन द सेम ग्राउंड, मकड़े ने सिखाया मिथिलेश को कि नॉट टू जज एवरी वन, हर किसी के बारे में एक ही तरह से राय नहीं कायम करना चाहिए, जज यानी राय कायम करना, एवरी वन यानी हर किसी के बारे में, ऑन द सेम ग्राउंड यानी एक ही तरह से, हर किसी के बारे में एक तरह से नहीं सोचना चाहिए, एक ही राय कायम नहीं करना चाहिए, इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न टू डील डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, जरूरी है सीखना, लर्न यानी सीखना, क्या सीखना, टू डील सामना करना, डिफरेंट पीपल मुख्तलिफ लोग अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, जो कि अपने रवैये से मुख्तलिफ होते हैं, उनके बर्ताव के मुताबिक, बिहेवियर यानी बर्ताव, अकॉर्डिंग यानी मुताबिक के मुताबिक, बर्ताव या रवैया, तो यहां से फिर से समझते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट, जरूरी है कि हम सीख लें मुख्तलिफ लोग जो कि अपने अपने रवैये से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, तो उनका सामना किस तरह करना चाहिए ये हमें सीखना चाहिए और ये जरूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी, उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, जो व्यूअर्स नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज इसी तरह की नई वीडियो आप देख सकें, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि कैसा कमेंट्स में पूछ सकते हैं कुछ अगर डाउट्स हो, और वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं, शुक्रिया।